हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन समिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू वोटर आईडी कार्ड यानी कि हाईटेक डाउनलोड। यानी कि दोस्तों, जो ये पुराना वाला यहां पर आ रहा था, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हमारा जो भी होता था उसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारी अपडेट यहां पर निकल करेगी, आधार लिंक किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो दोस्तों, कुछ तो प्रोसेस होगा, कुछ तो न्यू यहां पर दिखेगा जो वोटर आईडी कार्ड होगा। यहाँ पर आप घर बैठे हाईटेक वोटर आईडी कार्ड घर मंगवा सकते हैं 100% फ्री, 10 दिन में ही यहाँ पर घर बैठे मंगवा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड को। दोस्तों, पुराना जो वोटर आईडी कार्ड पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, नया आप डाउनलोड करना है तो कैसे करना है, तो आपके घर पर 10 दिन में आपका वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा। कैसे ऑनलाइन करना है, तो सबसे पहले गूगल ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com, जो पहला वाला वेबसाइट होगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वोटर आईडी लिखकर सर्च करना है। दोस्तों, कहीं भी नहीं जाना है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं जाना है, सर्च बॉक्स के जाकर वोटर आईडी कार्ड लिख देंगे तो वोटर कार्ड का पोर्टल होगा, उस पर चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस तरीके से टाइप कीजिएगा वोटर कार्ड पोर्टल लिखकर एंटर कीजिएगा तो आपका पहला वाला खुल जाएगा। या दोस्तों, डायरेक्टली आप गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं गूगल से भी दिखा देता हूँ, इस वेबसाइट से भी जा सकते हैं दोस्तों, या दोस्तों डायरेक्टली भी आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं जहां से आपको पूरी तरीके से हाईटेक वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल खुल चुका है, यहाँ पर टाइप करेंगे वोटर कार्ड पोर्टल, यहां से भी आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर नीचे में कह रहा है वोटर कार्ड पोर्टल ECI, ये दोस्तों वहां से भी मिल जाएगा जहां जिस वेबसाइट से बताए हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट पर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आ जाएंगे। जैसे कि मैं इस वेबसाइट पर पूरी तरीके से आ चुका हूँ, अब आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर आपका एक आईडी पासवर्ड होना चाहिए, अगर आईडी पासवर्ड नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से अपना रजिस्टर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक आईडी जाएगा, एक पासवर्ड जाएगा, उसको यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है। दोस्तों, अगर पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा, ईमेल आईडी से बनाए हैं तो ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल से बनाए हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। मोबाइल इज नॉट रजिस्टर्ड बोला जा रहा है, इसका मतलब हमको अभी रजिस्टर करना है। तो चलिए मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अपना जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को फिलअप करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर ओटीपी है सेंड, तो दोस्तों अब ओटीपी को पूरी तरीके से इसमें डालना है। समय भी दिया गया है दोस्तों, 54 सेकेंड, 1 मिनट का समय रहता है दोस्तों। चलिए यहाँ पर जी पूरी अच्छे ढंग से डाल लेता हूँ, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सक्सेस कंग्रेचुलेशन, योर मोबाइल नंबर हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, अब वेरीफाई हो चुके हैं इमें जो भी हमारा मोबाइल नंबर है। अब दोस्तों क्या करेंगे, पूरी तरीके से इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर नया जो पासवर्ड बनाना है उसको यहाँ पर बना लेंगे। चलिए मैं बना लेता हूँ, देखिए दोस्तों मैं बना दिया हूँ, आपको ध्यान देना है। दोस्तों, आपके सामने मैं लाइव फॉर्म को भर रहे हैं, याद रखें। अब दोस्तों डायरेक्टली क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट, मैंने सभी चीज को फिलअप कर लिया है दोस्तों, यहाँ पर एग्री करने के लिए भी बोल रहा है, तब जाके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, सेव कर लेते हैं कि आईडी पासवर्ड जो भी है हमारा सेव हो जाए। अब देखिए, ये पूरी तरीके से वेलकम टू द वोटर पोर्टल पूरी तरीके से यहाँ पर हो चुकी है हमारा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉग इन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से करेंगे, करेक्शन करना है तो यहाँ, डिलीशन करना है तो यहाँ, यानी कि पूरी तरीके से डिलीट करना है तो, अगर लिंक करना है आधार कार्ड को तो यहाँ से लिंक भी कर सकते हैं। मैं करेक्शन इन वोटर आईडी कार्ड पर क्लिक करूंगा। देखिए दोस्तों, वोटर कार्ड का पोर्टल यहाँ पर पूरी तरीके से, मायने में जो वोटर मित्र है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर खुलकर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट पर हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर, यस आई हैव वोटर आईडी नंबर, यस पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पर डाल देनी है। तो मैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल दिया हूँ, फेज डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये वेट करेगा। इंटर वैलिड एपिक नंबर, जो भी आपका एपिक नंबर है ये सही नहीं बता रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर आप कैसे इसको सही तरीके से आपको डालना होगा तभी आपको अच्छे से बताएगा। दोस्तों, यहाँ पर किसी किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल पाता है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। जहाँ पर मैं यस आई एम वोटर आईडी कार्ड पर क्लिक किया था वहाँ से आप जा सकते हैं, लेकिन नो वाला ऑप्शन था कि नहीं जानते हैं वोटर आईडी कार्ड का नंबर, तो वहाँ से नो पे क्लिक करेंगे तो सर्च भी करने का दे देगा, तो आप पूरी तरीके से अपना फॉर्म को डालकर सर्च भी कर सकते हैं। 91 करोड़ यहाँ पर लिख रहे हैं रिकॉर्ड्स, प्लीज वेट, आपको पूरी तरीके से आप सर्च करके ये आएगा।
यहाँ पर दोस्तों आपका जो दो ऑप्शन आ रहा था, यस आई हैव वोटर आईडी नंबर, यस डोंट हैव वोटर आईडी कार्ड, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर नहीं वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपसे वोटर आईडी कार्ड सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। सर्च करने के बाद मान लीजिए अगर मिल जाता है तो यहाँ पर आप उस पर सिलेक्ट करके फेच कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यस मैं तो जानता हूं, तो यहाँ पर डायरेक्टली अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल के फेच कर देता हूँ। मैं आगे का प्रोसेस यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, इसके आगे का प्रोसेस आगे है। तो दोस्तों आगे क्या क्या करेंगे, जैसे ही फेच कर लेता है डॉक्यूमेंट तो पूरी तरीके से डिटेल्स खुल कर जाएगा, नाम पता सभी चीज, और उसको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देनी है, यानी कि रीप्रिंट का ऑप्शन आएगा वहां पर क्लिक कीजिएगा तो 10 दिन में आपका वोटर आईडी कार्ड बनकर पूरी तरीके से आ जाएगा। तो अगर दोस्तों इसका फुल वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और दोस्तों इस वेबसाइट पर ना जाना भूले onlinesubmit.com, क्योंकि दोस्तों इस वेबसाइट पर हर एक तरह के न्यू अपडेट आपको सबसे पहले दे दी जाती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के।